इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। वैदिक परंपरा का शब्द क्या पता है आपको? वरदान। क्या शब्द है? और यह शब्द क्या है? पसायदान। वरदान नहीं है, पूरा वैदिक कल्चर जब भी तप करता है, जब भी साधना करता है तो किसके लिए करता है? वरदान पाने के लिए। कोई देवता आ जाए और मेरा वरदान पूरा कर दे, तथास्तु के दे। और संत ज्ञानेश्वर क्या कहते हैं? इने यज्ञ तो इने वाग्य तो शावे तोषुनी मज द्यावे। वरदान नहीं मांगा है, क्या मांगा है? सोचने के लिए बहुत पॉइंट है। अभी मोबाइल का पसायदान चालू है, और जबकि सबको पता है कि जब यहां बोलते हैं तो छोटा सा भी आवाज सबको सुनाई देता है, कितना अच्छा लगे ना आवाज। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेता हूं, और संत ज्ञानेश्वर कहते हैं दुष्ट को मारना नहीं, दुष्ट को सुधारना, सज्जन बनाना है। कितना अंतर है। खड़े वेंकटी सांडो जो जे वांछी न दुविताची तिमिर जाओ, उसका अंधियारा समाप्त हो जाए। अरे बोलो ना, लोगस्व उज्जय करे दुरिताचे तिमिर जाओ। लोगस्व उज्जय करे का मीनिंग क्या है? दुरिताचे तिमिर जाओ। धम्म तीर्थ अरे जिने खड़े वेंकटी सांडो, भगवान महावीर ने चंडकुश को मारा क्या? क्या किया उसको? हाँ, उसके अंदर में जो बुराई थी उसको निकाल दिया। आप सोच सकते हो, सोचने के लिए आमंत्रण है, संवाद करने के लिए आमंत्रण है, और उनकी 11 और अपनी चल रही 84 पक्षी की तैयारी। किसकी तैयारी चल रही है? क्या अंतर है पक्षी में और 11 में? और 84 पक्षी क्यों है? किस लिए? बहुत पक्षी आती है ना, फिर आषाढ़ी पक्षी क्यों? जेठ की पक्षी क्यों नहीं? श्रावण की क्यों नहीं पक्षी? आषाढ़ मास की पूनम क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये हमारा काम नहीं, हमारा सब आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बाकी माथा पच्ची तुम करो। अरे कम से कम आपके पास ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि क्यों आषाढ़ी चौमासी, व्हाट इज द रीजन? रीजन है उसका, ये चौमासी, ये जो पक्की आषाढ़ी चौमासी पक्की, ये जो पूनम है, ये शाश्वत परिवर्तन का समय है। किसका समय है? हाँ बोलो, कम से कम आगे क्लियर हो जाएगा। किसका समय है? यस, चेंजर टाइम, चेंजर टाइम। जब भी आरा चेंज होता है, उस सर्पिनी से अवसर्पिनी शुरू होती है, अवसर्पिनी से उस सर्पिनी शुरू होगी, ये परिवर्तन किस दिन होगा? जिस समय आषाढ़ नक्षत्र में चंद्रमा पहुंचेगा उस समय यह परिवर्तन होगा। ये शाश्वत है। पांचवें आरे से छठा आरा कब शुरू होगा? पहले आरे से दूसरा आरा कब शुरू होगा? दूसरे आरे से तीसरा आरा कब शुरू होगा? चौथे आरे से पांचवा आरा कब शुरू होगा? उस सर्पिनी से अवसर्पिनी कब शुरू होगी?
ये क्या है? संधि का ट्रांसक्रिएट। रामेश्वर सीडीचा समाधान नहीं है। ये कौन सा पीरियड है? ट्रांस का पीरियड, चेंज। आज से चेंज की शुरुआत होती है। किस दिन से? आषाढ़ पूर्णिमा से। आज से बारिश शुरू होती है। जब भी अवसर्पिणी में से उत्सर्पिणी शुरू होगी तो आषाढ़ी पूर्णिमा में कितने सालों के बाद बारिश होगी? हेलो, तुम तो हंसते हो। इंद्रचंद जी कहते कि मेरे हेलो कहने बाद तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितने साल के बाद बारिश? छठे आर्य के 21,000 साल। कितने? छठे आर्य के 21,000 साल। वापस छठे आर्य के 21,000 साल। फिर पांचवें आर्य के 21,000 साल। 63,000 साल तक धरती तपेगी और उसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा को भरत क्षेत्र प्रमाणिक बादल, घना बादल। ऐसा नहीं कि हड़कों में बरसात है, सिड़कों में नहीं। ऐसा बादल 63,000 साल के बाद। कितने साल के बाद? 7 days and 9 nights, 7 दिन और रात। ऐसा बरसेगा, ऐसा बरसेगा, ऐसा बरसेगा और उस बादल का नाम है महामेघ। कौन सा मेघ? दूसरा नाम है उसका अमृत मेघ, तीसरा नाम है उसका रस मेघ। जम्बूद्वीप पनपते में गया कि उस बारिश के बाद यदि ऐसी बारिश आज हो जाए, उस महामेघ की बारिश आज हो जाए तो 1,000 ईयर, कितने? 1,000 साल तक फसल के लिए पानी की जरूरत नहीं है। एक बारिश में 1,000 साल तक फसल आती रहती है। इतना वो पानी जो है स्निग्ध होता है। कैसा होता है ये आप लोग कितना समझेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कोई साइंटिस्ट सुनेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्षार युक्त पानी और स्निग्ध युक्त पानी। क्षार का इतना तो शायद आपको भी पता, जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उनको पता होगा। यदि पानी में क्षार हो जाए तो जमीन कैसी हो जाती है? उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाती है। और बंजर जमीन को, 63,000 साल की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना है। ये बारिश कब शुरू होती है? आषाढ़ी पूर्णिमा को। फिर 7 दिन बारिश होती है, फिर 7 दिन रुक जाती है, फिर 7 दिन वापस दूसरी बारिश होती है जो घी जैसी होती है, फिर दूध दही जैसी होती है, फिर दूध जैसी बारिश होती है। क्वालिटी है। और मैंने कई कई लोगों को प्रोजेक्ट दे रखा है, रिसर्च का है, कि पूरी दुनिया इस बात पर लगी हुई है कि जमीन को फर्टिलाइजर दिया जाए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए? जमीन को फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। लेकिन जम्बूद्वीप पनपते कहते हैं कि जमीन की उपजाऊता बनानी हो तो पानी की क्वालिटी चेंज करनी चाहिए। चेंज वाटर क्वालिटी, चेंज अर्थ। और वाटर की क्वालिटी चेंज की जा सकती है। पूरी दुनिया केवल बात करती है डेवलपमेंट की, डेवलप्ड कंट्री बस, कोई बात नहीं करता है कि चेंज कंट्री।
सारे दुनिया के अर्थशास्त्री समाजशास्त्री केवल एक बात करते हैं, विकास कैसे होगा, विकासशील देश, विकसित देश और विकसित देश, तीनों श्रेणियां है ना, डेवलप्ड इन डेवलपिंग प्रोसेस, नॉन डेवलप्ड। मैंने कहीं पढ़ा नहीं अर्थशास्त्र में कि कोई विकास के अलावा चेंज की बात करता हूं। और ध्यान में रखना है, विकास का आखिरी बिंदु विनाश होता है, विकास का आखिरी बिंदु विनाश होता है, ये जैनिज्म की बात है। जब जब भी विकास बिना परिवर्तन का होगा, विनाश पक्का होगा, और परिवर्तन के साथ विकास होगा तो विनाश के डगर पर कदम कभी नहीं पहुंचेंगे। विकास ये चक्र में चलता है और परिवर्तन ये ट्रांसफॉर्मेशन में चलता है। मनुष्य गति से देव गति में गए, क्या हो गया? विकास। परिवर्तन कटे हुए, परिवर्तन तब हुए जरा मनुष्य गति में रहकर थे पाठमाते आ जाओ। डोंट वरी, भगवान ने चार ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शन दिए? परिवर्तन के चार ऑप्शन दे दिए हैं। या तो यहां आ जाओ, या तो वहां ढंग से रहना सीख जाओ। श्रावक श्राविका, श्रावक चेंज चेंज। श्रावक उसको नहीं कहते हैं जो डेवलप्ड होता है, श्रावक उसको कहते हैं जो चेंज होता है। और जो चक्रवर्ती केवल डेवलप होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, वो आयुष्य पूर्ण करके कहा जाते हैं। और जो चक्रवर्ती डेवलपमेंट के साथ चेंज हो जाता है, वो मोक्ष में जाता है। परिवर्तन ये मोक्ष का पहला कदम है, चेंज ये फर्स्ट स्टेप। फोकस किस पर है? चेंज पर फोकस कोनी है। मारे डेवलपमेंट कदी हुई था, मारो बच्चों बड़ो कदी हुई था, मारी दुकान, मारो बैग बैलेंस चेंज हो जाए। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garbh Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide and mentor the creators of the future, of course the parents to be. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety and stress, to build an everlasting family bond, to stay calm and cherish every moment, to design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated and guided by our guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe.
Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garbh Sadhana. बेहतर हम बेहतर दुनिया, आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है, जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास दो ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें, हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल, आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669669794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।